हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उदय ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, हम यहाँ पे हम सवाल हम मेरा पहला क्वेश्चन है कि 200 का 5% क्या होता है। सबसे पहले हम बता देते हैं, ये प्रतिशत है और ये प्रतिशत का सिंबल है, ऐसे सिंबल दिया जाता है। और प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100, यानी कि 1/100। किसी संख्या में प्रतिशत लगा रहेगा ना, जैसे कि 5% है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे 100, मतलब 5/100 ऐसे। तो चलिए, मेरा क्वेश्चन है पहला, उसको हम हल करते हैं। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है 200 का 5% क्या होगा। तो यहाँ पे हल लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 200 और का के मतलब गुना होता है, तो गुना और 5% ऐसे हम दे देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे 200 × 5 और प्रतिशत का मतलब बटा 100, 1/100 ये हो गया। और 2 जीरो से मेरा 2 जीरो कट गया और 2 × 5 = 10, यानी कि 10 रुपया हो गया। 200 का 5% कितना हो गया, 10 रुपया, ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। चलिए, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, 350 का 30% का 2% क्या होगा। ये मेरा क्वेश्चन है, 350 का 30% का 2% क्या होगा। इसमें 2% दिया हुआ है। चलिए, हम यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ मेरा 350 है, 350 लिखेंगे और का के मतलब गुना होता है, और 30% और का के मतलब गुना होता है और 2% ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 350 × 30 और प्रतिशत का मतलब बटा 100 हम बता दिए हैं, ये हो गया, गुना 2 और प्रतिशत का मतलब बटे 100 या 1/100 ये हो गया। हम काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो मेरा कट गया। चलिए, इसको गुना करते हैं, 35 × 2 = 70 हो जाएगा। इसको हम काटते हैं, 5 × 5 = 35 और 5 से कटेगा 20 × 5 = 100 ये हो गया। और ये कटेगा 2 से 2 × 2 = 20 ये हो गया, 2 × 7 और बटा कितना है, बटे 10 है, तो 7 × 3 = 21, 21/10, तो इसको हम तोड़ेंगे, भाग देंगे 10 से, तो 2.1 हो जाएगा, 2.1 मेरा ये आंसर निकल कर आ गया। क्वेश्चन था 300, यानी कि 350 का 30% का 2% क्या होगा। तो मेरा ऐसे मेरा आंसर निकल कर आ गया, 2.1%। आगे मेरा सवाल है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, मेरा तीसरा क्वेश्चन है 70% का 10% क्या होगा। 70% का 10% क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 70% और का के मतलब गुना और 10% ऐसे हम लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 70 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 ये गुना 10%, तो 10 और प्रतिशत का मतलब बट्टा 100 ये हो गया। और 2 जीरो से 2 जीरो मेरा कट गया, ऊपर में क्या है, 7 × 1 × 1, तो 7 ही रहेगा और 32 ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, मेरा आ गया 70% का 10%, तो नीचे में 2 × 0 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, 7 × 0.0, यानी कि 70% का 10% हो गया 0.07। क्वेश्चन है मेरा, 60% को भिन्न में बदलना है, 60% को भिन्न में बदले, ये मेरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम हल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 60% ये हो गया, और भिन्न में बदलने के लिए, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से हम गुना करेंगे, सॉरी 100 से हम भाग देंगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे 1/100 ये हो गया।
तो यहाँ पे लिखेंगे 60 गुना 1/100, ये हो गया। और ये जीरो से ये जीरो कट गया, और दो से काटेंगे 2 3 6 2 5 10, ये हो गया। तो 3/5 ये मेरा आंसर निकल कर आ गया, 60% को भिन्न बदले हैं तो 3/5 आ गया। आगे मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 200 का कितना प्रतिशत 10 होगा। तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं, यानी कितना प्रतिशत 10 होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 और का के मतलब गुना और कितना प्रतिशत, यानी कि हमें प्रतिशत निकालें तो इसको हम x मान लेते हैं, माना कि 200 का x प्रतिशत 10 होगा। तो यहाँ पे हम 10 दे दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 10 और गुना में 200 इधर आया तो भाग में हो जाएगा 200, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 1/20।